नमस्कार, मैं हूं वंदा शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। राजस्थान बॉर्डर सील करने की खबर से मार्केट में गुटखा को लेकर हड़कंप मच गया। आइए जानते हैं। राज्य सरकार द्वारा बुधवार सुबह अपनी बैठक में राज्य की सीमाओं का सील करने का फरमान जारी किया। इसके बाद उसमें संशोधन करने के साथ सीमाओं पर यातायात नियंत्रण की बात सामने आ गई। इस गफलत में प्रदेश में कई जगह अफवाह उड़ गई कि गुरुवार से फिर से लॉकडाउन लग गया है। इससे अचानक खुले बाजारों में एक तरफ सामान खरीदारी की भीड़ उमड़ पड़ी और तो दूसरी तरफ गुटखा बीड़ी सिगरेट खरीदने वालों की भीड़ पान की दुकानों पर लग गई। साथ ही थोक विक्रेताओं के पास भी कई जगह जमावड़े लगे रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता तक सार्वजनिक स्थानों और जगह जगह पान गुटखे और तंबाकू की पीक थूकने की लगातार शिकायतें पहुंचने के बाद बुधवार सवेरे मुख्यमंत्री की ओर से वीसी के दौरान सोशल मीडिया पर ये मैसेज तेजी से वायरल हो गया कि राजस्थान में गुटखा पान और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसे में गुटखा पान और तंबाकू के शौकीनों का ऐसी दुकानों पर जमावड़ा लग गया। बुधवार को ये अफवाह उड़ गई कि वीरवार से प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। राज्य सरकार ने प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया है, मगर बाद में पता लगा कि हुआ ये है कि आने जाने वालों को अब पास की जरूरत रहेगी। इस बात की पूरी जानकारी नहीं होने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ा दी। दुकानों पर लोग सामान खरीदने उमड़ पड़े। कई दुकानों पर भीड़ भाड़ देखने को मिल गई। कई पान की दुकानों पर तो बीड़ी सिगरेट के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहे। बीड़ी गुटखा व सिगरेट के दामों में फिर से उछाल आ गया। कालाबाजारी एकाएक बढ़ गई। 10 रुपए गुटखा पाउच के लिए 40 रुपए तक दुकानदार लेने लग गए। ऐसी कोई विधिवत खबर सरकार की ओर से नहीं दी गई है। लगता है इस खबर के पीछे कुछ शरारती तत्वों, बड़े बिजनेसमैनों का हाथ है। इसलिए पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। इससे बेवजह कालाबाजारी होने की आशंका है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें और इन चीजों की तरफ ना भागें। जब तक सरकार की ओर से कोई ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं मिलती है, इन अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें। तो दोस्तों, इस खबर पर अपने विचार और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।